हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका राज की दुनिया में। ओम साई राम। तो जी हाँ, इट्स अ वंडरफुल संडे। थोड़ा सा लो हूँ क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। दीदी चले गए हैं, लाडो चली गई है, एंड बैक टू रूटीन। घर सेट, आज सिर्फ यही रूम सेट किया है। ऐसा नहीं था कि घर कोई मेस है, बट वैसी क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी जैसे डेली में होती है, यू नो मी। तो यस, आज ये रूम क्लीन हो गया। राघव अभी यहीं है, तो राघव और कबीर सो रहे हैं, वो भी अपनी थकान निकाल रहे हैं। सैटरडे व्लॉग नहीं डाल पाई बिकॉज वॉज बर्थडे पार्टी कबीर की, बहुत लेट चली। आई वॉज टू टायर्ड, ऑल दो कॉन्टेंट रेडी था बर्थडे पार्टी का, बट आई कुडंट। मैं एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई, स्केड्यूल नहीं कर पाई। एडिट आपको पता है, बहुत ज़्यादा देर मेरी एडिटिंग नहीं रहती क्योंकि आई बिलीव इन रॉ। तो एनीवेज, व्लॉग्स थोड़े इधर उधर हुए, बट मैंने काफ़ी कोशिश की कि थोड़े व्लॉग ज़्यादा नहीं मिस हुए। तो जी हाँ, कल बस अब हम ऑन है, राज की दुनिया एकदम कंटिन्यू चलेगी। वेस्ट टिप भी आएगी, कुकिंग रेसिपी भी आएगी। विंटर्स में तो बहुत कुछ है, इवन कुकिंग करने को भी अगर मेरा मूड करेगा, क्योंकि मैं बहुत लेजी का हो जाती हूँ। कुकिंग इज़ नॉट, विंटर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। एनी वेज लेट्स सी, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होंगे। पानी शुरू कर दिया पीना। आप थोड़ा सा दिनचर्या में फर्क चेंज आया, उठते पहले एक कप गर्म पानी पीती हूँ, एंड देन आई ड्रिंक माई 1 लीटर वाटर, जो आज से शुरू हुआ है क्योंकि 10 दिन थोड़ी सी दिनचर्या इधर उधर थी। एनी वेज, दीदी चले गए, आई कुडंट व्लॉग बिकॉज बहुत बिजी डे था कल का, थके भी हुए थे, लेट उठे, दीदी की लास्ट मिनट कुछ चीज़ें थी, वेंट टू मार्केट, सो आई कुडंट व्लॉग। मैं थोड़ा लो थी, तो या चलिए बने रहिए आज के पूरे संडे के लिए, मिलती हूँ आपसे। नहाना हो गया है, काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड करी, बट अब मैं टायर्ड हूँ और आज ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और हमारा ब्लैंकेट बाहर आ गया है, डिंग 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 डिंग, माई फेवरेट ब्लैंकी। यस, इट्स 2 o'clock। मैंने काम किया बहुत सारा और हमने ब्रेकफास्ट में खाया उपमा। आई हैड टी जो मनीष जी ने बनाई थी, संडे वर्क उनका ही है। एंड मिसिंग सीमा दीदी, मैंने जीरा पानी पी लिया दीदी, अच्छे से ब्रू होने दिया था मैंने, दैट्स फॉर यू, मिसिंग यू सिसी। तो वो मुझे कादर डाल गई है जीरा वाला पानी पीने का, शी टोल्ड मी इजी वे, कोई ज़रूरत नहीं रात को भिगा के रखने की। एंड ऑफ सो जो जो ड्रिंक्स दी थी मुझे बनाने की, ड्रिंक्स इन द सेंस हेल्दी ड्रिंक्स गर्म पानी में, जो भी बता के गई हैं, मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाकर वो बनाकर डालूंगी डेफिनेटली। रैट्स का आप फोकस है हेल्थ एंड वेट, जो ऑलमोस्ट आज से मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया गाइस। अगेन आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन माई वेट, एंड आई इट्स अनबिलीवेबल कि मेरा इतना गेन हो गया। तो कभी राघव अभी भी सो रहे हैं, इट्स 2 o'clock, बट मैं बच्चों को इसलिए नहीं उठा रही कि रेस्ट की ज़रूरत है। आपको लगता है मैंने नहीं उठाया होगा? इतनी बार बोल चुकी हूँ, बट चलिए, मनीष भी मुझे बोले लेट देम टेक रेस्ट। आज 2 न्यू प्लांट लगवाए हैं मैंने, जो मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है बेड से उठने का, मैं टायर्ड हो गई हूँ। ये रूम क्लीन हो गया, वो रूम भी क्लीन हो गया, ओनली बेडशीट चेंज नहीं हुई है क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो आई एम हेल्पलेस। सो कुछ 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 चीज़ें हैं जो मुझे सॉर्टेड करनी है, स्पेशली माई मेकअप ड्रॉर, वो बहुत मैसी हो गया क्योंकि इतने दिन सब ऐसे ऐसे चल रहा था। तो चलिए, नेवर माइंड, सफाई तो रोज़ ही होती रहती है, बट ये दिन, ये जो कुछ पल जो हमने एंजॉय किए हैं 10 दिन के, ये अब अगले साल ही आएंगे गॉड ग्रेस। तो आई एम हैप्पी,
थोड़ा लो हूँ बट हैप्पी भी हूँ कि सब जस्ट अभी दीदी का मैसेज आया कि वो पहुँच गए हैं, कि मनीष जरा वो डोर खोल दो, ये पता नहीं कहाँ से अंदर आ गया, जस्ट ओपन द डोर, वो वहीं से निकल जाएगी, हमने बालकनी खोली थी इसलिए। तो इस बात की भी मुझे खुशी है कि सब राजी खुशी आए और राजी खुशी अपने घर गए। लाडो भी शी गॉट अ लाइक गुड गुड क्वालिटी ब्रेक, जो डिजर्विंग थे हर्षित भी और वंशु वंशु भी, तो दीदी भी, तो सब अपने अपने घर ठीक ठाक से पहुंच गए। यही बस एक मेरे को इसी बात से मैं आई एम हैप्पी कि चलिए देखिए जिसने आना वो अपने घर तो जाएगा ही जाएगा, राइट। बट 10 दिन हमने फन किया, कांट एक्सप्लेन। सो बस अब बैक टू वर्क, ऐसा नहीं था काम रुका हुआ था, सब अपने अपने काम साथ साथ कर रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं और क्या करते हैं, उसमें आपको बनाए रखूँगी अपने साथ। फिलहाल 1 घंटा सोने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी अर्ली मॉर्निंग हुई थी। गुड गाइस, हमारी गुड मॉर्निंग हो गई, आज हम दोपहर से सोए हैं जमकर, और मुझे नहीं पता राघव कबीर कब उठे कब खाया, मैं और मनीष सोए विच यू कैन सी थ्रू माय आईज। अब इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग ये बेड बेडशीट। एज यू नो गाइस, शोल्डर के प्रॉब्लम से सिर्फ एक ही काम है, मैं हैवी चीज़ और बैक की वजह से मैं बेडशीट ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। आपको पता है, पता नहीं हमने न्यू मैट्रेस लिए थे दीदी के आने से पहले, विच आई थिंक आई डिडंट शेयर। इट्स टाइम टू क्लीन माई मेकअप एरिया क्योंकि इसमें भूचाल आया पड़ा। तो एज एवरी थिंग आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट टूडे, बट ये साफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। एंड साथ में चाय पी ली हमने उठ के, बट अब मन कर रहा है सूप पीने का, तो सूप बनाऊंगी, कपा सूप बनाती हूँ। जो है मैंने यहाँ पे दुबई में तो ऐसे क्यूब्स मिलते थे, वो जस्ट डालो और बहुत यमी सूप बन जाते थे। इंडिया में लास्ट ईयर की विंटर एज आई टोल्ड यू वाज बिजी इन लाडोज वेडिंग, तो मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, बट अब नाउ आई स्टार्टेड। तो मैं ये हॉट एंड सॉर इंस्टेंट सूप लाई हूँ चिंक्स का। तो जब दीदी आई थी हमने तब इसका वेज वाला पिया था, वो बहुत यमी था। आज मैं बना रही हूँ हॉट एंड सॉर। तो गर्मियों में अभी सर्दियों में बस अब यही सब अच्छा लगेगा गाइस। तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब ओप्स 1 मिनट, ऐसे कुछ गिर रहा था तो लेट मी सॉर्ट, क्योंकि तो जिस सिर्फ कैटल में पानी गर्म करती हूँ, इन मग्स में डालती हूँ सूप बॉल्स में, और पैकेट डालते हैं और स्टेयर कर देते हैं और इट्स रेडी टू ड्रिंक। तो आई डोंट नो बाहर के सूप में कितना स्टार्च क्या रहता है, बट कुकिंग एट मेकिंग एट होम सूप नॉट माई कप ऑफ सूप, नॉट माई कप ऑफ टी। तो थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश कर रही हूँ, आई नो एक दिन में मिरेकल्स नहीं होंगे। मनीष जी क्या कर रहे हैं, दोनों लड़के स्कूटी में घूमने गए हैं और कहाँ गए, कॉफ़ी पीने गए, मुझे तो यही बोल के गए गॉड नोस। तो गाड़ी नहीं ले गया, स्कूटी पे गया, जो गाड़ी ट्रिप में जाने का प्लान रात को है। एनीवेज मनीष जी क्या कर रहे हैं, माय गुड बेबी से हाय टू माय जनता एंड रिमूव दैट बैग, नॉट मी टू माय जनता, हाय। ही इज आल्सो लुकिंग फ्रेश, ऑल्दो ऑफ कोर्स इट्स यू नो सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो मनीष जी और काफ़ी यू नो अहम रोल रहता है उसमें। तो बस आप ये कर रहे हैं अपनी कबर ठीक, क्योंकि थोड़ा सा भूचाल आ गया था, तो अब मनीष जी को मुझे लग रहा है कबर और देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि विंटर्स के कपड़े ज़्यादा जगह लेते हैं। तो व्हेन आई विल क्लीन माय कबर आई ट्राई कि मैं अपने कपड़े थोड़े स्क्वीज करके इनको एक जगह और दे दूँ, तो लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट। अभी मनीष जी के सारे विंटर कपड़े नए निकले हैं जो मैं आज करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे ये सब कपड़े लॉफ्ट में रहते हैं। तब राघव आया हुआ है, इज़ माई टॉलू बॉय, तो बस सीढ़ी लगाऊंगी, हमारी लैडर है उसको लगाऊंगी, थोड़ी सी हेल्प कर देगा मासी की, तो सारे सूटकेस निकल जाएंगे
इस लॉफ्ट में से, और सब रेडी हो जाएगा। जब तक बच्चे आते हैं उससे पहले पटापट पटापट, ये 10 मिनट्स का वर्क है, देखने में मैसी लग रहा है, दैट्स आपकी, दैट्स क्विक कैच टच वुड, तो ये फटाफट क्लीन कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही करूंगी, वुलन कपड़े निकालूंगी, उनको सुबह के लिए धूप में लगाऊंगी, क्योंकि निकालते ही कबड में नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्मेल रहता है उनमें। तो बस आज की दिनचर्या ये है, बने रहिए, सूप पीती हूँ, बहुत मन कर रहा है। तो गाइस क्लीनिंग डन, मुझे सब सामान नजर आ रहा है, थैंक गॉड, इतना भी मैस नहीं था, बट थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि थोड़ी डीप क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी थी, डीप क्लीनिंग, और अभी हुई है फेस की डीप क्लीनिंग। सीसी लाई थी विटामिन सी स्क्रब एंड सीरम फॉर मी, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज उसका उद्घाटन, क्योंकि आई वॉज अनपैकिंग सारे गिफ्ट, तो मैंने कहा उनको ठीक से रख रही थी तो सब अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं विटामिन सी स्क्रब। मैंने पहले भी दीदी मेरे लिए लेकर आई हुई है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको लगाते ही फेस पे गरम गरम लग रहा है, तो गुड। उसके बाद मैंने विटामिन सी सीरम लगाया जो उसी पैक के साथ था, तो थोड़ी सी तो शाइन मुझे लग रही अपने फेस पे, बट ऑफकोर्स 15 डेज में आई रिपीट हर चीज़ को जो भी मैं शुरू करती हूँ। तो अभी मेरे फेस को बहुत बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, बैक टू वर्क, बैक टू फेस ग्रूमिंग, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था 10-15 डेज, इवन मोर देन दैट। तो डार्क सर्कल्स थोड़े से आ गए हैं, आप देख रहे हो लेट नाइट का नतीजा, तो मुझे उसके लिए भी वापस आना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, जो बहुत ही ख़राब हो रखा है स्केड्यूल, कोई बैक टू रूटीन आने का और कोशिश कर रहा है, जो है कबीर और राघव सारा दिन सोए हैं, आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन इट, बट सारा दिन सोए हैं, सारा सारा दिन सोए हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या काम किया है, मेरे ख्याल से बर्थडे पार्टी की थकान है। यस, और मेरे मसाज जो थी 3:30 बजे सो उठे, फिर हम बाहर कॉफी पीने गए और हम फिर से सो गए, फिर हम 10 बजे उठे, फिर से सो जाएंगे और 3-4 घंटे में। और कभी राघव की मसाज की थकान, मैं तो मसाज की थकान थी, उससे बड़ी अच्छी नहीं लग रही। सैम और राघव ने अर्बन क्लैब से मसाज बुक करी थी, तो वो घर आए थे, एंड आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब, राइट राघव, एंड मुझे उठते ही कहता मासी यू शुड ट्राई, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे जरूरत है, तो मे बी दिस वीक मैं अर्बन क्लैब मसाज के लिए बुलाने वाली हूँ। तो कोई किताब खोल के बैठा, उसको पता भी नहीं क्या पढ़ना है, जस्ट अभी व्लॉग के लिए ही ओपन द बुक, व्लॉग के लिए। और आज आप सोचोगे मैं बिग बॉस नहीं देख रही और मनीष जी बिग बॉस देख रहे हैं, लुक एट हिम एंड ही इज वाचिंग, क्योंकि मुझसे आज डाइजेस्ट नहीं हो रहा बिग बॉस, ऐसा लगता है ऑडिशन क्लासेस चल रही है इन सबकी, कन्फेशन रूम में आकर रोने की, और जो सबसे बेस्ट रोएगा बिग बॉस उसको वो रोल दे देंगे, या वो रोने का सीन उसको मिल जाएगा। तो आई नो जो इमोशंस दिखते हैं जब वो जेन्युइन होते हैं, तो सिर्फ मुझे प्रियंका के इमोशन जेन्युइन लगे, बाकी तो गॉड, मैं उठकर ही आगे से टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं अपने फेस की ग्रूमिंग कर लूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। टाइम से सोएंगे आज, 3-4 दिन लगेंगे इंटरनल क्लीनिंग के लिए, बाहर से सच कोई नहीं है, इंटरनल क्लीनिंग भी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एवरीडे का स्केड्यूल ऐसा था, बस जा रहे थे आ रहे थे, घूमना फिरना, तो हर चीज़ ऐसी रखी जा रही थी, तो जो मैक्स 2-3 डेज बाय दिस वीक, तो इंटरनल वीक तो बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, बट सब हो जाएगा, जिसमें से एक हो चुका है। आई डोंट वॉन्ट टू शो माई कबर्ड्स, कबीर की कबर्ड दिखाई तो आपको, आप लोग बेहोशी हो जाओगे, मैं तो खोल भी नहीं सकती, मुझे लगेगा मैं भी क्लीन कर दूँ। एनीवेज मनीष की कबर्ड ठीक हो गए हैं, वुलन कपड़े निकालने थे जो नहीं निकाले, क्योंकि ये दोनों लड़कों ने आके आके कंबल खोला और सो गए, मेक श्योर अटैचिया निकाल दो, लुक एट देयर फेसेस। डिनर में क्या मिला है इनको, चपाती और ऑमलेट,
क्योंकि बस मेरा यही करने का मन था, नॉट मोर देन दैट। दो घंटे बाद मैकडॉनल्ड्स खाएंगे, मैं यही कहने वाली थी, क्योंकि एनीवेज मैं इन्हें पकवान के पकवान शाही भोग भी लगा दूं, फिर भी मिड डे मील मिड नाइट मील आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट कल तो हमने दो दो जगह से कोल्ड कॉफी पिया रात में, पहले एक बार मंगवाई फिर एक आधे घंटे बाद फिर से मंगवाई, तब भी इतनी नींद आ रही है। कोल्ड कॉफी पी पी कर भी नींद आ रही है इन्हें, कितनी बॉडी इन लोगों की खत्म हो रखी है। अरे हम तो अच्छी तरह से कॉफी मंगवाया थी, फिर ना बंद हो गई, तो इसीलिए मैंने ज्यादा जद्दोजहद नहीं किया शाम में। आप कहेंगे क्यों रात आपने बनाया, क्योंकि सिल्वी शाम में नहीं आई थी, रीजन इज कि वो वोट डालने जा रही हूँ। गॉड, फिर मुझे लगा क्या 10 days लाइक द बोथ ऑफ देम दे वर्क फॉर मी लाइक एनीथिंग, सो इतना बनता है, इतना मुझे लगता है जेन्युइन मतलब होना चाहिए आपको किसी के प्रति। तो मीन्स इतना काम था कि दोनों ने बहुत अच्छे से घर को मैनेज किया, मंजू और सिल्विया। इतना चलता है, आज एक शाम की छुट्टी है, तो इसीलिए मैंने इनको मनीष जी को भी ऑमलेट बना के दिया, चपाती बना के दी, और बच्चों को भी ऑमलेट और चपाती। एंड यू विल आस्क मी व्हाट आई हैड ओनली सूप, बट अभी मुझे बहुत डिटॉक्स की ज़रूरत है, तो मुझे मोटिवेट करते जाइए, कमेंट्स में लिखिए राज यस यू कैन रिड्यूस 1 kg इन अ वीक, क्योंकि मुझे राघव ने कहा है इजीली मासी यू कैन वेरी इजी वेरी मुगे रवे कप्तान 2 kg कमूंगा एक नहीं। आई लव यू, भूखे नहीं रेडी, मैं स्टार्व नहीं कर रही। मैंने अपने ब्लॉग में लास्ट में बोला था मैं अपने आप को पनिश करने वाली, स्टार्व ऐसा नहीं है, मैंने अच्छा मील हैवी लिया है, और शाम में मैं कोशिश करूंगी सूप पे थोड़े दिन के लिए गाइस, क्योंकि एक्सट्रीम पुट ऑन हो गया, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फिट होना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस बहुत जल्दी ज़्यादा नहीं शुरू करूँगी, हल्का हल्का शुरू करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा फिजिकली और स्ट्रांग हो जाऊँ, क्योंकि बहुत मेडिसिन मेरे चले हैं खांसी की, तो इसीलिए हल्का हल्का स्ट्रेचिंग शुरू करूँगी। चलिए व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, ज़्यादा आज मुझे ही आपको देखना पड़ेगा इस पूरे व्लॉग में, जो बिकॉज दिस इज़ राज की दुनिया, यू कांट हेल्प इट आउट राइट। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए राज की दुनिया को, लाइक करिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड द बेल आइकन विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई शेयर द न्यू वीडियो। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड वाटर। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पानी आपको जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाकर डालूंगी। लव यू ऑल, ओम साई राम, गुड नाइट। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए रात को कि मैं थोड़ा सा रेड्यूस करूँ।